और ये अपना सारा सेटअप लगा हुआ है जी, अपना बेड वगैरह सब कुछ है इसमें, है ना प्रॉपर। ये मेरा है बेड। और जैसे कि आपको पता है, मैं बाहर का फूड भी नहीं खाता और ना ही मैं होटल या होम स्टे वगैरह कुछ नहीं लेता, है ना। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है और अभी मैं ये कर रहा हूँ लंच वगैरह के लिए। पराठे बना लिए अपन ने, सब कुछ इकट्ठा हो गया, लंच अपना पैक कर। व्यू अच्छा है तो जब आप भी कभी आओ तो इस बीच पे होके जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये गोवा बीच आपका यहाँ पे भी है तो आप देख सकते हो। हाँ जी, अभी अपनी गुड मॉर्निंग हो गई है तो आपको दिखा रहा हूँ कि रात आप कहाँ रुके हुए थे। ये था सारा पॉइंट, है ना। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि ये शिवपुरी में हूँ मैं, ये देखो ये सारी लोकेशन है, बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये अपना सारा सेटअप लगा हुआ है जी, अपना बेड वगैरह सब कुछ है इसमें, है ना प्रॉपर। ये मेरा है बेड। और जैसे मैं लास्ट व्लॉग में बात कर रहा था कि लद्दाख, स्पीति और हिमाचल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा, तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। रात फर्स्ट नाइट थी मेरी इधर उत्तराखंड में, तो वो बहुत सही थी और जो व्यू था मेनली वो बहुत अच्छा था। मतलब जो पानी का साउंड है आप फील कर रहे होंगे, आपको भी आ रहा होगा, बिल्कुल नदी के किनारे पर मैं बैठा हूँ। बस अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगा ब्रेकफास्ट वगैरह अपना, करूँगा ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो फिर आगे निकलता हूँ मैं, मतलब ऋषिकेश वाली साइड, वहाँ जाके कुछ जो है वहाँ पे झूले वगैरह हैं, जहाँ लोकल जो मंदिर हैं और जो यहाँ पे योगा वगैरह करवाते हैं वो मैं सारे आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप अभी तक अगर YouTube पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट करके बताया करो। तो मिलते हैं अभी आगे, मैं चलता हूँ एक बार ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। लगता है बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, मैं तो ब्रश कर रहा हूँ। आप लोकेशन देखो कितनी अच्छी है, जी अपना ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। ये गत्ता मैंने आज लगा के लगाया यहाँ पे, क्योंकि ना हवा आ रही थी उधर से तो वो सही नहीं बन रहा था, तो अभी बस ब्रेकफास्ट करके तो निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। वो तो देखो कैसे बना हुआ है, किसी ने खाना है तो पोहा आ जाओ, तो वो आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है मैं बाहर का फूड भी नहीं खाता और ना ही मैं होटल या होम स्टे वगैरह कुछ नहीं लेता, है ना। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है और अभी मैं ये कर रहा हूँ लंच वगैरह के लिए। पराठे बना लिए अपन ने, सब कुछ इकट्ठा हो गया, लंच अपना पैक कर लेंगे और इवनिंग में कुछ खाना होगा तो चाय वगैरह के साथ मेरे पास ब्रेड वगैरह होंगे वो। और आज इस लोकेशन से मैं लीव कर जाऊँगा और इवनिंग में कुछ नई लोकेशन होगी। और अच्छी अच्छी लोकेशन देखने के लिए आप यूट्यूब पर अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बाकी की अपडेट देते हैं। हाँ जी, अभी मैं निकल रहा हूँ नहाने के लिए। ये मैंने अपना शॉवर टेंट ले लिया साथ में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे पानी है काफ़ी है, है ना। क्योंकि कल मैं आगे निकलूँगा रानी खेत वाली साइड में, तो लैंड्स डाउन रानी खेत कल के जाऊँगा उधर मैं, तो शायद वहाँ पे मुझे ना मिले, है ना, पानी वगैरह इतना। और अभी यहाँ पे ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो, है ना, जैसे ये देख सकते हो आप सामने सामने कहीं भी आप अपना ये टेंट लगाएंगे और आराम से बैठ के नहाएंगे, नहा के फिर निकलते हैं आगे के लिए। और टेंट का सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखो यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है सारी, आप देख सकते हो दूर दूर तक राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे। वो कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ ये जा रहे हैं, कुछ ये जा रहे हैं, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे बैठ के कहीं। अभी हम लगा रहे हैं शावर टेंट और इसमें नहाएंगे।
ये अपना शॉवर टेंट लग के बिल्कुल हो गया रेडी, तो अभी हम यहाँ पे नहाने वाले हैं। हाँ जी, तो अभी आप जा रहे हैं जो ऋषिकेश का जो अंदर की मार्केट वगैरह है या जो लोकल है वो एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सारे झूले आ जाएंगे, लाइक लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, और जो अपनी कैंपिंग करेंगे आज एक यहाँ पे बोल रहे हैं गोवा बीच के नाम से है कोई, जैसे जो अपनी रात की कैंपिंग थी वो थी शिवपुरी बीच पे, वो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और जो आज हम कैंपिंग करने वाले हैं अभी तक यही प्लान है कि जो गोवा बीच है वहाँ पे करेंगे, और बाकी अभी जाके देखते हैं, लोकेशंस वगैरह देखेंगे कैसी है, और लोकल मार्केट देखते हैं यहाँ की कैसे है, कौन कौन योगा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जाके देखते हैं। और ये रोड व्यू है उधर जाने का, ये रास्ते में चल रहे हैं पैक, ये बंदे हैं रोहतक के, चलो बोल दिया, ये कौन सा अपने को जानते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्या पता मतलब कोई लोग देख ले और बोल दे कि मेरे घर पे तुमने बता दिया मैं यहाँ पे पैक लगा रहा हूँ। स्पीड लिमिट है वो है यहाँ की 20। हाँ जी, अभी मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे वाली साइड जा रहा हूँ, आगे जाके पता चलेगा मैं निकलूँगा कहाँ पे, शायद लक्ष्मण झूला की वाली साइड में निकल जाऊँ। अभी ये कोई उनके ऑफिस वगैरह हैं जो राफ्टिंग वगैरह करवाते हैं ना, उनके ऑफिस हैं, और शायद यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, उनके बीच बीच में से मैं जा रहा हूँ, घरों से आवाज़ आ रही है, इससे पहले मुझे वो पकड़ लें हम बाहर निकल जाएंगे। वो सामने पुलिस वाला है, उससे पूछते हैं कि क्या कुछ है। ये है फुल्ले, क्या हिसाब किताब है जी फुल्लों का? 40-20। चलो आप खा के दे देना, खा लो पहले, जी हम थोड़े से फुल्ले खाएंगे। फुल्ले खाने के बाद लक्ष्मण झूला कौन सा जी? ये है लक्ष्मण झूला, ये भी बंद है, हैं? और राम झूला किधर रहेगा? 2 किलोमीटर आगे है। और ये वाला है जो आप देख रहे हो सामने, ये लक्ष्मण झूला है और इसका अभी ये काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं सारा अभी काम चल रहा है लक्ष्मण झूला का, मतलब आप आगे नहीं जा पाएंगे। मेरे से सारे पुल्ले छीन लिए, ये रे वो राम से खा रहे भाई, मैं अच्छा नहीं लग रहा था तेरे को खा रहा है, ये आगे सारे आगे मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई तुम लोग खा लो भाई, माड़ी कर दी उन्होंने, मैं आराम से खाए जा रहा था, एकदम से आया झपट्टा मारा और खा गया। ये देखो ये इसकी जुएं निकाल रहा है, इसके पड़ गई जुएं अब निकाल रहा है, देख मत मैं तेरे नालों ही पड़ा है, उधर नहीं मिलता, दूजा आ गया, बस आप चले अब धीरे से, इनका कुछ नहीं पता। ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो ये वाला है लक्ष्मण झूला है, और इससे बिल्कुल आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको राम झूला मिलेगा, और यहाँ पे आप स्नान नहीं कर सकते, ये सब कुछ लिखा है, ये बोटिंग है। हाँ जी ये अब हम पहुँच चुके हैं जानकी झूला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो था अपना लक्ष्मण झूला, उसका तो अभी काम चल रहा है तो वो तो उस पर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो मतलब बंद है, और इस पर आप अभी ये चल रहा है, ये है जानकी झूला, और इसके बाद आप जाएंगे राम झूला पे, और आप इसका साइड व्यू इस साइड से देख सकते हो, मतलब जो व्यू है इसका बहुत अच्छा व्यू है, और बिल्कुल नदी के पैर की नदी, मतलब 2 व्हीलर है वो इस पर मतलब जा पा रहे हैं, 4 व्हीलर इधर अलाउ नहीं है। ये आप देख सकते हो झूला, हाँ जी अभी मैं जा रहा हूँ, आप सामने देख रहे हो वो है राम झूला, मतलब सबसे ज्यादा आप देख सकते हो जो रश है ना वो राम झूला पे होता है, क्योंकि जो लक्ष्मण झूला है वो अभी बंद है, तो इसलिए जो राम झूला पे पूरा रश है अभी, आप देख सकते हो सामने, मैं आपको इस साइड से देख के
इस साइड से दिखाता हूँ थोड़ा, तो आप इसको देख पाओगे। ऋषिकेश, ऋषिकेश में ये है राम पूरा, देखिए आप अच्छी तरीके से। ये देखिए इधर आप, और इसकी ना दो साइड हैं ऋषिकेश में, एक दूसरी साइड है एक इस साइड है, दोनों को आपस में ये कनेक्ट करता है। और कुछ लोग हैं वो देखो सामने से वो जो आ रही हैं अपनी बोट है वो यूज़ करते हैं इधर आने के लिए, ये चार्जेस करते हैं। जो अगर आपने थोड़ी सी बड़े वाली बोट है ये 20 to 50 पर पर्सन लेते हैं, अगर आपने पर्सन लेनी है तो 300 to 400 तक लेते हैं। ये आप देख सकते हो सारा व्यू, देख सकते हो कैसा है। हाँ जी, ये है ऋषिकेश की मार्केट, मार्केट में आप ये देख सकते हो, एक है छोटी वाला, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है इसमें आप देख सकते हो छोटी वाला, इसमें दो है साथ साथ में, एक उधर था एक इस साइड में। हाँ जी, जैसे कि आपको पता ही मैं ऋषिकेश में हूँ, तो इवनिंग टाइम हो गया, तो इवनिंग टाइम में थोड़े से स्नैक्स तो नहीं है लाइक, थोड़ा टी टाइम हो गया अपना, तो अभी चाय पियेंगे। तो थोड़ा सा दूध इसमें मैं और ऐड कर दूँ, मॉर्निंग में ले लिया था मैंने, थोड़ा सा बच गया था वो, फिर मैंने बोतल को साफ़ करके ये स्प्राइट वाली बोतल थी उसमें रख लिया था। तो अभी थोड़ी सी, मैं वैसे चाय लवर ज़्यादा हूँ नहीं, बट सोचा चलो ठंडा सा मौसम है थोड़ा पी ले। और मैं एक्चुअली खड़ा गाँव पर हूँ गोवा बीच पर, आपको मैं बीच का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आकर दिखा दीजिए प्लीज़। ये देखो ये पीछे है ना, ये इसको गोवा बीच बोला जाता है, ठीक है। अगर आप कभी भी ऋषिकेश में आ रहे हो तो आप पूछ लेना किसी को गोवा बीच में जाना है, पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको, शायद मतलब वो बीच पर जैसे रेता होता है उस टाइप का रेता सा है, और मतलब व्यू अच्छा है। तो जब आप भी कभी आओ तो उस बीच पर होके जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये गोवा बीच आपका यहाँ पर भी है तो आप देख सकते हो। हाँ जी, ये आप पहुँच चुके हैं गोवा बीच ऋषिकेश, इसको मतलब गोवा बीच के नाम से जाना जाता है। तो आप कभी भी इधर आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट करना, बस मेरे को लगता है यहाँ पे नदी के पास में रहता है तो उसका नाम रख दिया ना गोवा बीच। तो आप साइड का व्यू देख सकते हो, ये लोग जो राफ्टिंग कर रहे हैं आप ये देख सकते हो, व्यू बहुत अच्छा है, तो आप आ सकते हो। ये ऋषिकेश का नाइट व्यू है, आप देख सकते हो सारे रात के नज़ारे ऋषिकेश में, राफ्टिंग करके लोग आ रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और अभी आप आगे जा रहे हैं, बोल रहे हैं शायद वो आरती चल रही होगी, अगर वो आरती चल रही है तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इसकी समाप्ति कर देते हैं, और 5:15 बजे ये आरती शुरू होती है। महादेव की श्री शत्रुघ्न भगवान की श्री शिवानंद महाराज।